हाय हेलो एंड वेलकम। बाकी दिनों की तरह भी ये दिन भी एक नॉर्मल दिन जैसा ही है, पर आज का दिन थोड़ा इंटरेस्टिंग होगा। फिलहाल मैं जा रहा हूँ एक खास इंसान से मिलने जो हाल ही में इस दुनिया में आया है। हम जा रहे हैं पीडियाट्रिक्स वार्ड की तरफ, जहाँ हम एक नियोनेट को देखने वाले हैं। मदर एंड चाइल्ड ब्लॉक इज द मोस्ट ब्यूटिफुल डिपार्टमेंट दैट आई हैव विजिटेड इन GGS MCH फरीदकोट। वी हैव विजिटेड अदर डिपार्टमेंट्स ऑल्सो, बट वाई दिस डिपार्टमेंट इज सो स्पेशल टू मी, विल गेट टू नो दिस इन अ मिनट। We all are so excited and we are waiting for this moment. Sometimes we are tired also, तो हम थोड़ा बहुत nap भी ले लेते हैं। This cute little infant is now my friend and he is just 3 days old. He is my friend because unlike others, he is calm and not a crybaby. Believe me, it's been just a week and I've seen things people won't believe I've seen. Newborns are just unbelievable. Patients की history लेते time हमने एक और दोस्त बनाया जो कि बहुत ही प्यारा था। आप देख सकते हैं हमारी गायने में पोस्टिंग लगी है और यहाँ पर हमें अंदर बिठा दिया मतलब। और ये हैं मेरे दोस्त और मेरे बैचमेट्स जो कि मुझसे ज्यादा कॉन्फिडेंट है व्लॉगिंग के लिए, यही खुद को इंट्रोड्यूस भी करेंगे। ये किरण है और ये हरमन है, हरमन को सारे जानते हैं। और ये हर्ष है, कपल है, इजिया है और ये खुशबू है। जो पीछे खड़ा है ना वो है गुरप्रीत, वो जो पीछे Well, I think they are better than me in socializing with others at this point. Well, I'm better with the way I am. फिलहाल हमें करना है एक लेक्चर अटेंड और उसके बाद थोड़े पेट पूजा करने भी जाना है। मेडिकल कॉलेजेस में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है अटेंडेंस की। हाँ, पढ़ाई भी ज़रूरी है। है कि मेडिकल कॉलेजेस में एक स्टिग्मा होता है, जब भी नीट एस्पिरेंट्स मेडिकल कॉलेजेस की तरफ सोचते हैं तो उन्हें लगता है कि हर टाइम पढ़ाई और स्ट्रेस ही होता है। पर अगर आपके पास कंपनी अच्छी हो तो आप बहुत एंजॉय कर सकते हो मेडिकल कॉलेजेस में पढ़ने के साथ साथ, और आप बहुत ही अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हो स्टडी का भी और एंजॉय करने का भी। तो आपके 5.5 years will be just like blew off wind।